हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज का ब्लॉग जो है मैं रास्ते में शूट कर रही हूँ। मुझे इसका इंट्रो शूट करने का घर पे बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया था। सो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा। और ये हम आ चुके हैं स्टेशन पे। हमने ले ली है लोकल ट्रेन, क्योंकि आपको मैं कई बार ही बता चुकी हूँ कि लोकल बेस्ट है बॉम्बे में। और ये वो रास्ता है जिधर से हम लोग जा रहे हैं, और हम अपने मेरे घर के नियर पे स्टेशन है, बिल्कुल नियर पे। तो वहाँ से हम लोग लोकल पकड़ते हैं। लोकल पकड़ने के बाद बस जहाँ जाना है, हमें जाना कहाँ है, मस्जिद स्टॉपेज वहाँ पे रुकना है, उतरना है, वो CST के पहले पड़ता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और हमारे घर से मुंबा देवी माता का मंदिर आई थिंक 1 से 1.5 घंटे लगता है पूरा, एक घंटे तो लगता ही लगता है। सो यस, ये हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद स्टेशन, और यहाँ से हम लोग अब पैदल जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है गाइस। हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद स्टेशन, और ये यहाँ पर मम्मा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रही थी, तो उसी का बात कर रही हैं। और ये इसी रास्ते से हम लोग गए मुंबा देवी, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस टैक्सी करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ट्रैफिक में फंस गए तो फिर आपको जो टाइम लगना है 10 मिनट, उस जगह पे लगेगा आपको पूरा 1 घंटे, क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक होता है। और इतना, और ऑलरेडी हम लोग घर से ही लेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और अभी हम लोग 3 लोग दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको हमारे ब्लॉग में बहुत ही स्पेशल पर्सन मेरे पापा जी आपको दिखने वाले हैं। सो व्लॉग में बने रहिएगा बिना कहीं स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैमिली वाला ब्लॉग है। अगर आप लोगों को हमारा फैमिली ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आए। अभी टाइम से मुंबा देवी की प्लानिंग हो रही, बट मुंबा देवी माता ने अभी शायद बुलाया नहीं था, इसीलिए आज हम लोगों का सडन प्लान हुआ। और स्पेशल बात यह है कि हमारा प्लानिंग जो था वो पापा जी के साथ था, इसीलिए आज भी पापा को टाइम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो मेरे जो है काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे पापा भी आए मेरे। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब भी अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो गाइस क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस होता है और सबका जाना आना पॉसिबल हो पाता है और पापा जी करें, क्योंकि उनका काम ही वैसा है, तो वो बहुत लेट नाइट रहते हैं। तो इसकी वजह से आज पापा जी अब यहाँ पे दर्शन करेंगे। दर्शन प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ये हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से एंटर करते ही गाइस यहाँ पे पता है यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था फोटो वीडियो कुछ भी क्लिक करना। जो भी हमने किया मुझे पता नहीं था, उसके पहले हमने बाहर से क्लिक कर लिया। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पापा जी का वेट, क्योंकि पापा जी आ रहे थे, रास्ते में थे पापा जी। वो पापा जी के आते ही हम लोग जो है दर्शन करेंगे, तो काफ़ी टाइम हमारा वेट करने में निकल गया। इसकी वजह से हम लोग प्लान करके गए थे कि कहीं और भी जाएंगे। और ना गाइज, एक बात और बता दूँ आपको कि यहाँ मंदिर में मतलब मैंने कई सारी मन्नतें मानी हुई थी, तो जो पूरी हुई, और जैसे जब पूरी हुई तब मैं नहीं आ पाई कोविड वगैरह के चक्कर में, इसीलिए शायद अब मेरा माता रानी ने बुलाया और मैंने वो सारी मन्नतों का भार उतारा। और ये है मुंबा देवी मंदिर, पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर, पहुंच के कर रहे हैं पापा जी का वेट अपने। पापा जी आ जाए हमारे, उसके बाद हम लोग करेंगे दर्शन। और सबसे अच्छी बात आज है हम लोगों का आने का, हमारे पापा जी हमारे साथ हैं, जिससे मैं बड़ी खुश हूँ। और ये मैं आपको गाइस आप लोगों के लिए लाइव दर्शन करवा रही हूँ मुंबा देवी माता के। एक ये, और इसके एक बगल में मंदिर है, ये माता रानी का मंदिर है। और ये दोनों उधर वाला शूट नहीं कर पाई, मीन्स दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता और बहुत ज़्यादा गाइस सच बताऊँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को। अब हम लोग निकल के जाएंगे बाहर, फिर आरती होगी, आरती होने के बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किए, तो काफ़ी लेट हो गया था, नाइट हो गई थी,
तो हम लोगों के सारे प्लान पोस्टपोन हो गए। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है माता रानी का। और एक बात बता दूँ आप लोगों को गाइस, सच में माता रानी के दरबार पे कहीं भी जो बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। मुंबई का फेमस टेंपल है ये। और गाइस यहाँ की एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे बिल्लियाँ ना ऐसे टहलती हैं, इसको देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे टहलती हैं यहाँ की बिल्लियाँ ना गाइस, एकदम जैसे डॉग वगैरह होते हैं वैसे एकदम टहलती हैं। हम तो डर जाते हैं। ये यहाँ पे हम लोग अब हमारे पापा जी आपको मिलने वाले हैं। सो अभी 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 जस्ट पापा जी आ गए, मेरे पापा जी आ गए, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। देख सकते हैं आप मेरे पापा जी कितने हैप्पी हैं। और ना और पापा और इनको देखो, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब पापा जी हमारे साथ होते हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ लफ्ज़ों में, तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मुझे कितना अच्छा और कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है जब मेरे हम लोगों के साथ हम मम्मी, मोस्टली मम्मी होती हैं, बट पापा जी का होना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पापा जी का बताया यार बार बार बिजनेस ही वैसा है जिसकी वजह से। लेकिन आज मेरे कहने पे पापा जी, रिक्वेस्ट करने पे पापा जी ने टाइम निकाला, और निकालते भी क्यों ना, क्योंकि उनकी बेटी ने कहा था, तो सिंपल सी बात है वो निकालेंगे। सच में मेरे पापा जी के लिए ना मेरे पास वर्ड एक भी वर्ड, एक एक वर्ड कम पड़ जाते हैं जब भी मैं उनकी बात करती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। मैं शायद मैं वर्ड में बोल भी नहीं पाऊँ, ये मेरे लिए उतने स्पेशल हैं कि अगर बात आ जाती है मेरे पापा जी की तो मुझे मतलब, खैर छोड़िए, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और मेरी मम्मी जी मतलब मम्मी जी को अधिकतर आप लोग देखते हैं हम लोगों के साथ, बट पापा जी आज हैं, ये बात बहुत अच्छी। और ये बात हमारे चेहरे से, हम सबके चेहरे से दिख रही होगी, हमारी मम्मी भी खुश हैं कितनी ज़्यादा, और हम तो खुश ही हैं। और ये उनके बेटे भी बहुत हैप्पी थे कि हाँ आज हम पूरी फैमिली के साथ दर्शन करें। स्पेशली मम्मी पापा को के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और यहाँ पर हम लोग कलावा बंधवा रहे हैं, और शायद आप लोग देख पाएँ तो हमारे पापा जी भी बहुत हैप्पी हैं। और पापा जी ने हम लोगों को बहुत मतलब, जितना भी हम लोग जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, जो जो चीज़ मिलता जा रहा था, मेरे पापा जी ये ले लो बेटा, वो ले लो, ये कर लो, वो खा लो, वो पी लो, इसी चक्कर में पड़े थे। बट सच बताऊँगा इस तरह ट्रेवलिंग करना यार बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत हाँ वड़ा पाव, मुंबई का फेमस वड़ा पाव लो पापा, वड़ा पाव रहते मुंबई में, लेकिन आज मेरे ख्याल से हम बहुत रेयरली ही बाहर का खाते हैं वड़ा पाव। लो पकड़ो ये तो पकड़ो, प्लेट ये मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई का फेमस वड़ा पाव। आप जब भी मुंबई आए वड़ा पाव खाना बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल क्या खाएगा, निकलेंगे ऑलरेडी पापा जी। अच्छा गाइस, किस किस को लगता है कि पापा और ये बिल्कुल सेम है? सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि इनकी सारी एक्टिविटी पापा से मैच करती हैं, और ये और पापा बिल्कुल टिक टॉप फोटो कॉपी हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़, बाय नेचर, बाय लुक, बाय हर चीज़। क्योंकि पापा की अब मुंबई की में पापा जी की पहले की फ़ोटो बिल्कुल ऐसी है। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस आज यहाँ का गन्ने का जूस 12 महीने मिलता है। अच्छा, हमारे मुंबई में। अच्छा, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप आजकल हर जगह मिल रहा है आप। देख सकते हैं मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पापा को टाइम मिला। रोड साइड पूरी फैमिली के साथ कुछ खाने पीने का मज़ा ही कुछ और है।
पापा ने पापा मम्मी हम आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज मेरे पापा आए पसंद आया कोई जी नहीं आए देखिए आप जैसे पूरे छोड़े की दुकान है यहाँ पे रश्मि देख रही है सुबह अभी तक शायद इनको कुछ पसंद नहीं आया है अभी अभी दिखा रहे हैं भैया मम्मी कंगन ले लो मम्मी अपने लिए कंगन हेलो पापा किधर क्या हुआ पापा और ये जब दर्शन करके हम लोग निकलने लगे तो रोड साइड लगी होती है ना सारी पूजा मतलब सामान की दुकानें तो हम लोग घूमते टहलते बढ़िया अच्छे से इंजॉय करते हुए निकल रहे थे आ रहे थे क्योंकि कहीं और जाने का प्लान था बट वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी गाइज और अब बस यही सब करते हुए छोटी मोटी शॉपिंग करते हुए निकलेंगे हम लोग घर के लिए और देख सकते हैं आप पापा जी हमारे बार बार बोल रहे थे ये ले लो बेटा वो ले लो बेटा और यहाँ पे हम अपने मंदिर के लिए घंटी ले रहे हैं लो अच्छा बनाते हैं ये वाली लो और पापा जी काफ़ी बार बोले कि ये कुछ ले लो रश्मि आप बेटा ले लो आप भी अपने लिए मम्मी को बोले तो फिर हमने चूड़ा लिया था वो जो आपने देखा इसके पहले वो चूड़ा बहुत ही प्यारा था क्योंकि रेड कलर का चूड़ा मेरे पास बहुत है और चूड़ा आई लव चूड़ा तो मैं छोड़ती कैसे तो पापा जी ने हमको चूड़ा दिलाया और भी बहुत कुछ खिलाया पिलाया बार बार बोल रहे थे बट कुछ पसंद नहीं आया यार क्यों फालतू में विश करना जब समझ में नहीं आया तो जो चीज़ मुझे पसंद आई वो मैंने ले लिया झट से पापा लेके आए खिलाने पानी पूरी आज पानी पूरी खिला रहे हैं पापा जी हमारे अरे उन्हें पापा साइड साइड लो यानी क्या कर रही हो पानी पूरी पापा जी पानी पूरी खिला रहे हैं ये पापा जी हैं पानी पूरी खा रहे हैं और ये हैं रिमी रानी और ये हमारी मम्मी हैं बगल में पानी पूरी खा रहे हैं यहाँ पे देखिए आप लोग पानी पूरी बहुत देर लगी है यहाँ पे मैंने और ये ऐसे घूमते टहलते हुए हम लोग स्टेशन पे जा रहे हैं क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑटो करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता और आप लोग देख ही रहे होंगे जैसा कि देख पा रहे हो शायद तो ऑटो वगैरह दिख भी नहीं रहा है और टैक्सी लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है मस्जिद यहीं पे है मुंबई देवी का मंदिर यहाँ पे नेम वाले पैंडल्स बनते हैं कितना प्राइस कितना एक नाम का 200 चलिए फाइनली हमें मिल गई है घर जाने के लिए ट्रेन और आई जस्ट होप आप लोग हमारे मामा पापा को बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत सारा सपोर्ट करेंगे हमें और माता रानी बस इस लायक बनाए हमें कि हम उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकें बाकी और कुछ नहीं बोलूँगी मैं बस ऐसे ही दोनों लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें क्योंकि ये मेरी दिल से जो है भगवान से प्रे है
कि ऐसे ही सब सब कोई हैप्पी है। पापा जी हमारे रास्ते में ही मतलब अपना शॉप पे उतर गए थे शॉप के लिए अपने जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे अपने घर के नियर जो फलूदा बिकता है वहीं पे हम लोग फलूदा खाए, ठंडा ठंडा बस कुछ खाने का मन था। बाकी हम लोग गाइस सच बताएं ना तो इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं मम्मी के फेस से और मेरे और इनके सबके फेस पे पूरी तरह से थकान दिख रही होगी। और बस यहीं पे फलूदा खा के फलूदा इंजॉय कर इसके बाद हम लोग घर पहुँचे, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड पसंद आता है तो मेक श्योर आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या